हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वाईफाई स्टडीज द पार्ट ऑफ अन एकेडमी। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोगों का आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है। तो बार बार जैसा कि आप सभी लोगों को कल ही बता दिया गया था, रिजल्ट आ गया है। अब आगे वो लोग क्या करें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उन्हीं के लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से मोटिवेशन है, हमारी वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों, क्या है कि अगर आपका आरआरबी जेई में अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ सिलेक्शन नहीं हुआ, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बारे में कोई भी ज़्यादा परेशान ना हो यार। देख, ठीक है, देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारे रिग्रेट्स जो है वो किए हैं, है ना। तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेहनत नहीं की है और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए रिग्रेट कर रहे हो कि यार काश हो जाता तो अच्छा होता। और अगर आपने मेहनत की है और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए भी रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है। ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये मेहनत कहीं ना कहीं जो है काम आएगी ही आएगी। आपको पता होना चाहिए कि एक बार किसी पत्थर पर चोट मारने से शायद वो पत्थर ना टूटे, लेकिन अगर आप बार बार चोट मारते रहोगे तो वो पत्थर एक न एक बार ज़रूर टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही करो, अपनी लाइफ में प्रयास जो है वो हमेशा करते रहिए, ठीक है। हमेशा कभी भी प्रयास से पीछे मत हटिए। मेरे साथ के बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे जो मेरे मित्र हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो लगातार प्रिपरेशन में हैं। तकरीबन 2012 से लगातार प्रिपरेशन में हैं। आप समझिए कि कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। आप जानते होंगे UPPSC वाले कैंडिडेट्स को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आप जानते होंगे UPPCS के कैंडिडेट्स को जो तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स तकरीबन 10 से 12 साल लगे होते हैं। आखिरकार उनका सिलेक्शन जो है हो ही जाता है, क्योंकि वो पेशेंस लूज नहीं करते। अगर अपना धैर्य नहीं खोएंगे तो आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। दोस्तों, हर एक स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती रहती हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे हमारे, जैसे अगर मान लो NTPC हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, बहुत सारे PSUs जो हैं वो अपना अपना एग्ज़ाम्स जो हैं वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए कराती रहती हैं। तो BTech कैंडिडेट्स के लिए तो PSUs के लिए एक गेट क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन हमारे डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उन्हीं डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक कुछ खास लेके आ रहा हूँ। देखो दोस्तों, है क्या कि अगर आप SSC JEE 2019 का सिलेबस देखते हैं, तो 2019 के सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको वहाँ पर मिलते हैं SSC JEE 2019 के सिलेबस में। तो SSC JEE 2019 का सिलेबस जिसने प्रिपेयर किया, उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ये पांच सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और तकरीबन 70-80% इनका वेटेज रहता है। और कभी कभार UPPCL जो कि जिसका कोई भरोसा नहीं होता UPPCL में, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% से ज़्यादा वेटेज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल मशीन और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल से कभी कभी पूरा पेपर बन जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशन का पेपर उठाकर देखिए आप, ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि जो पेपर है उसमें कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपको गूगल पर बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं ये पेपर आपको प्रोवाइड करा रही हैं। आप पेपर उठा के देखो, मेरी बात का भरोसा नहीं है, आप पेपर उठा के देखिए। मैं पेपर का एनालाइज किया हूं, तभी आपके सामने खड़ा हूं और बोल पा रहा हूं। आप पेपर उठा कर देखिए, उसमें अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको छः सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये छः सब्जेक्ट से लगभग 80% पेपर जो है आपको मिल जाएगा। कंट्रोल सिस्टम एक एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट है जिनको मैं गेट पर लेके आने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि गेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं, जो लोग गेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। गेट में मैं कुछ सब्जेक्ट्स लेके आऊँगा, जैसे अगर मान लिया कि कंट्रोल सिस्टम लेके आ सकता हूँ, कंट्रोल सिस्टम तो डेफिनेटली लेके आ ही रहा हूँ मैं गेट में। इसके अलावा भी 2-3 सब्जेक्ट्स एडिशनल लेके आ रहा हूँ। तो आपके 4-5 सब्जेक्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं, और इसके अलावा गेट में 2-3 सब्जेक्ट करा दिए जाएंगे। गेट का जो अलग पैटर्न रहेगा उस पर करा दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर आप 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप गेट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, गेट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप देखिएगा, खुद ब खुद इस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा। दूसरी चीज,
अब यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने क्या एक आगे टारगेट होना चाहिए, तो दोस्तों देखो आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ओके, आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पहले से ही तैयार रखना चाहिए। हमेशा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसा करते हैं, उनके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है जो भी सिलेक्ट होते हैं कि नहीं यार इससे आगे भी मुझे कुछ करना है। अगर आप इससे आगे भी कुछ करना चाहते हैं तो आप एसएससी जेई 2019 के लिए भी टारगेट करें। इसके अलावा अगर अदर स्टेट, आप अपने स्टेट में जॉब लेना चाहते हैं तो अपने स्टेट के एई और जेई एग्जामिनेशन के लिए भी टारगेट करें। तो यहाँ पर 2019 का एसएससी जेई का जो टीयर वन का बैच है 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि मंडे से, जिसकी टाइमिंग होगी 4 PM to 6 PM, ओके, रेगुलर टाइमिंग 4 PM to 6 PM होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वो बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारे स्टेट का जो अपना खुद का एग्जामिनेशन होता है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हमारे वेस्ट बंगाल के मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं। तो हमारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना अपना टारगेट लेकर इस एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मेरे कंटेंट से, मैंने जो पढ़ाया हुआ है उस कंटेंट से मेरे पास एक मैसेज पड़ा है वेस्ट बंगाल स्टेट के स्टूडेंट का। रेलवे जेई में भी सिलेक्ट हुए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के स्टूडेंट्स, और एसएससी में भी सिलेक्ट हुए हैं, और अपने स्टेट के जेई एग्जामिनेशन में भी सिलेक्ट हुए हैं। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज, और इसके अलावा मेरे पास मैसेंजर भी मैसेज पड़ा हुआ है। रेलवे जेई में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो देख सकते हैं आप, मेरे पास जो स्टूडेंट्स के मैसेज है वो आपके सामने है, कुछ इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई में, ओके, तो आपके सामने है ये, कोई मैं अलग से लिख के नहीं लाया या किसी से मैंने मैसेज नहीं करवाया, ये हमारे बीच के स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो देख सकते हैं आप, दीपक दास हैं और मिस्टर राहुल बैनर्जी हैं, ये दोनों ही हमारे बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं एंड दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कोलकाता जोन। सो आपको 4 नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है, आपको वैसे भी मैंने बताया था कि जो कूपन रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करते हैं आशीष 10, जो कि आपके सामने है, अगर आप तुरंत अप्लाई करोगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 4 नवंबर से इलेक्ट्रिकल मशीन का बैच शुरू हो रहा है और ये बैच आपका लगातार चलता रहेगा, एक के बाद एक हर एक मशीन पढ़ते चले जाएंगे और ये 27 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप 27 दिसंबर के बाद इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। 28 दिसंबर से जो बैच रनिंग होगा, 28 दिसंबर से जो बैच आएगा, जो नया सब्जेक्ट आएगा, आप फिर उसको पढ़ पाओगे। इसीलिए अच्छा है कि पहले ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप अभी के अभी ज्वाइन करते हो तो आप एसएससी जेई टीयर 2 का बैच भी देख पाओगे। एसएससी जेई टीयर 2 के बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक एक सेशन का एक एक क्वेश्चन 10-10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बराबर है, एमसीक्यू के बराबर है। एक एक सेशन का एक एक क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेशन में तकरीबन 6-7 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं और कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। एक सेशन में तकरीबन एक सवाल 5-6 या कभी कभी 10 एमसीक्यू के बराबर भी है। इलेक्ट्रिकल मशीन का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप देख पाओगे, अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आप इसको भी देख पाओगे और 4 नवंबर के बैच से उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एनरोल करना है, ओके, ये पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, देख सकते हैं आप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कराया जाएगा, आपको यूटिलाइजेशन भी कराया जाएगा, आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी कराया जाएगा। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल आपके वाईफाई स्टडी जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उस पर आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर वाईफाई स्टडी एजुकेटर सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद एसएससी गोल चूज करेंगे तो आपको दिख जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से क्लास लाइव ले पाते हैं, यहाँ पर हमें कमेंट कर रहे होते हैं, जो कमेंट मुझे शो हो रहे होते हैं, मैं इस तरीके से लाइव बैठ के पढ़ा रहा होता हूँ, स्लाइड्स आपके सामने हैं, पीडीएफ डेली बाय डेली अपलोड होती है, आपको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, डेली पीडीएफ मिलते हैं आपको, और डाउट क्लियरिंग सेशन है, हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव फेस टू फेस जो है वो बात कर पाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सामने पढ़ाने के वजह से नहीं देख पाता कि कमेंट क्या है, डाउट क्या है, वहाँ पर हर एक डाउट को लेना कंपलसरी है, डाउट ले पाता हूँ वहाँ पर। और आप पीडीएफ जो है वो 2 तरीके में डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने लिख के पढ़ाया हुआ है वैसे भी, और जो मेरा बिना लिखा हुआ है वैसे भी, दोनों तरीके से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, कैसे आपको परचेज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा मोबाइल पर,
आप लैपटॉप पर करेंगे तो लैपटॉप पर एक बड़ा सा पेज खुलेगा जिसमें चूज योर गोल का ऑप्शन आएगा। आप वहां पर लॉग इन कीजिएगा तो लॉग इन विथ ईमेल कर दीजिएगा, आप अपने ईमेल से लॉग इन कर सकते हैं। गोल चूज कीजिए जिसमें गोल आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जामिनेशन। एसएससी एग्जाम्स गोल चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इंश्योर कर लीजिएगा कि एसएससी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है कि नहीं। इस एसएससी एग्जामिनेशन को चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। इसको दबाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि वाईफाई स्टडी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो इसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपका एक एजुकेटर्स आ जाएगा। एजुकेटर में वाईफाई स्टडी एजुकेटर आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं वाईफाई स्टडी एजुकेटर। वहाँ पर आपको मेरा पूरा कोर्स लाइव दिख जाएगा कि कब कब क्या क्या होने वाला है। वो वैसे भी मैंने अभी आपको पहले बता दिया, हर सैटरडे को एक क्विज होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 12 मंथ का पैकेज ज्वाइन करो, ₹500 पर मंथ का है, और हमारे साथ अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट 2020 नवंबर तक, इवन नवंबर में ज्वाइन करोगे तो 4 नवंबर या 3 नवंबर तक आप एक्सेस कर पाओगे। इसके बीच में कोई भी टेक्निकल किसी भी स्टेट का आता है तो जाहिर सी बात है कि कोशिश यही की जाएगी या तो उसकी टेस्ट सीरीज लाई जाए और या तो फिर उसका कोर्स लाया जाए, और कोर्स आपका एसएससी में ही लाया जाएगा, इसके लिए घबराइएगा मत। इसको एसएससी में ही कोर्स लेके आऊंगा मैं एक्स्ट्रा, ताकि आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन जो आपने परचेज किया है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी के अंदर ही लेके आऊंगा मैं, तो ये पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, अच्छा ही है ना। ₹6,000 में सब कुछ मिल जाए, 12 महीने का ₹6,000 का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप वहाँ पर रेफरल कोड अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर शो किया, जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं आशीष 10, इस आशीष 10 को अप्लाई करने के बाद आपको रेफरल कोड अप्लाइड लिखा आ जाता है और वहाँ पर ₹600 का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाता है। आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए और आप पेमेंट मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, या तो फिर अदर UPI पेमेंट मेथड्स हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 8448447780 पर। मिलते हैं आपसे अपने अपने प्लस सेक्शन पर। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल इसको, वीडियो को, सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला सकते हैं दोस्तों में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले यार, वो भी सिलेक्शन ले लें किसी न किसी एग्जामिनेशन में, वो भी सिलेक्शन ले लें, तो आप वहाँ तक फैलाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने प्लस परचेज किया या नहीं किया, या आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप ऑफलाइन सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उस कमेंट को देखने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।